नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। और कई व्यूअर के डिमांड के अनुसार झारखंड में अलग अलग जो शासन व्यवस्था थी मुंडा की, हमने वीडियो पहले भेजा है, और अलग अलग सभी जो जनजातियां हैं उनके गांव में किस प्रकार की प्रथा का विकास हुआ, इस पर हम आज खास बात करेंगे। और साथ में बता दें कि आप हमसे ऑनलाइन लाइव भी जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे। इसके अलावा प्रभात खबर के करियर ऑनलाइन में 11 से 12 बजे तक प्रत्येक संडे को आप डायरेक्ट प्रभात खबर कार्यालय में कॉल करके भी हमसे करियर संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं, और झारखंड अब तक न्यूज लाइव में भी जुड़ सकते हैं, रेडियो के कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। हम आपको लगातार गाइड करेंगे और जो रेगुलर क्लासेज भी लेंगे ऑनलाइन। तो आप सभी को लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे साथ आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए रहते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये बात करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था पर। हमने इसके पहले वीडियो में मुंडा से लेकर अन्य दूसरी शासन व्यवस्था का हमने एक अलग वीडियो आपको भेजा है, और अब इसको लाइव हम टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था जो है, ये मुंडा के तौर पर कोई मतलब एक स्थान से ओरिजिनेट शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि मुंडा का अगर उत्तराधिकारी समझा जाएगा झारखंड में और जो पूर्वी जोन है वहाँ पर, तो ये नागवंशियों को जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था मूल रूप से एक चली आ रही शासन व्यवस्था के ऊपर एक दूसरी शासन व्यवस्था की शुरुआत है। और सही मायने में कहा जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था का हस्तांतरण रूप जो होता है, ट्रांसफर रूप, वो नागवंशी शासन व्यवस्था में हुआ है। खास करके मुगलों के समय में, वो भी अकबर और जहांगीर के समय में मूल रूप से नागवंशी शासन व्यवस्था का जिक्र है, और इसकी जानकारी मुगल के कई ग्रंथों में मिलती है। 64 ईस्वी से अगर देखा जाए तो मुंडा की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई। नागवंशियों के प्रथम राजा फणी मुकुट राय थे, और वो पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किए और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि उसे विस्तारीकरण किया और उसी व्यवस्था को अपना एक भाग बना लिया। इसीलिए यही कारण है कि नागवंशी के जब गांव में जाएंगे तो वहां पर भूशासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ऑलमोस्ट आपको मुंडा के जैसा ही नजर आएगा। यानी कि मुंडा की जो परंपरा है वह नागवंशियों में देखने को आपको अक्सर मिल जाएगी। प्रथम प्रभावकारी अगर हस्तक्षेप देखेंगे कि जो पहली बार वहां पर इंटरफेरेंस हुआ था, तो इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा मुगलों के काल में हुआ था, खास करके अकबर के समय में। अकबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है, और उसके पहले मुगलों ने इस इलाके में अपनी परंपरा का शुरुआत कर दिया, और आक्रमण के द्वारा धीरे धीरे मालगुजारी यानी कि राजस्व लेने के लिए अपने अधिकारियों को रखना शुरू किया। इसकी शुरुआत 1580 के बाद मानी जा सकती है कि जब अकबर ने 1582 ईस्वी में जब दीन इलाही की शुरुआत किया था 81-82 में, उसके बाद 1585 आते आते झारखंड के अधिकांश क्षेत्र पर मुगलों ने आक्रमण करके हथिया लिया, और यहाँ से राजस्व वसूलने के लिए, मालगुजारी लेने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति करने लगे, और वो उसी परंपरा का भाग आगे चलकर जो है वो नागवंशी शासन व्यवस्था कहलाया। एक दिलचस्प चीजें यहाँ पर है कि जानकारी जो है इसे पता चलता है कि 1616 ईस्वी में जब टैक्स नहीं दिया गया यहाँ के राजा के द्वारा, तो छोटा नागपुर के राजा दुर्जन साल को 12 साल की सजा हो गई, और मुगलों ने बाद में समझौता किया और 6,000 रुपया सालाना वार्षिक टैक्स देने के एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही उसे जेल से 12 वर्षों के बाद छोड़ा ग्वालियर के किले से। तो ये दर्शाता है कि उस समय में ये इलाका कितना इम्पोर्टेंट था, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1616 ईस्वी में 6,000 रुपया का मतलब आज 600 से 700 करोड़ रुपया का टैक्स हो जाएगा। तो उस समय में 6,000 रुपया टैक्स देने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया था जेल से। अब आपको बता दें कि उस समय में स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी किसानों की, क्योंकि एक प्रकार से तीनकठिया सिस्टम जैसा था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे किसान की फसल हो नहीं हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, और टैक्स देने के लिए आप बाध्य होंगे। तो अंग्रेजों का आगमन जब हुआ, और 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आए, तो उस समय दीवानी सिस्टम शुरू हुआ कि आप हाईएस्ट बिडिंग कीजिए, सबसे ज्यादा जो बोली बोलेगा उसको राजस्व कलेक्शन का राइट मिल जाएगा। ये 1765 ऑनवर्ड शुरू हो गया भारत में।
तो धीरे धीरे उस इस इलाके में जो कलकत्ता वाला क्षेत्र था पूरा, ये तो शुरू शुरू में बंगाल के अंतर्गत आता था। तो 1772-73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और उसके बाद जब रॉड कॉर्नवालिस आए 1793 में, तो उस समय उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया और इस इलाके में 20 वर्षों के लिए टैक्स को कर दिया कि 20 वर्षों के लिए एक फिक्स टैक्सेशन होगा, आपकी फसल ज्यादा हो चाहे कम हो उतना प्रतिशत टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। और यही कारण था कि इस व्यवस्था में चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशों की राज व्यवस्था ही समाप्त हो गई और अंग्रेज की राज व्यवस्था लागू हो गई। और यहाँ पर राजा महाराजा मुंडा मान की पढ़ा पंचायत आदि सारी चीज विलीन हो गए। और जब जब पूरे देश हमारा आजाद हुआ तो मुंडा वाला जो शासन व्यवस्था था, यही राज व्यवस्था और यही सिस्टम किसी न किसी रूप में नागवंशियों के यहाँ भी जो था वहां पर जारी हो गया। तो मुंडा और नागवंशी में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम एक एक करके सेक्शन वाइज अलग अलग जनजातियों में क्या कुछ होता है छोटी छोटी वीडियो में बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा। झारखंड में कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर की तैयारी हो या फिर राज्य स्तरीय हो, टेट वाली परीक्षा हो, एग्जाम कस्टम वाली हो, आपको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आप निश्चित रूप से क्वालिफाई भी जरूर कर जाइएगा। हमसे आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रात को 9 बजे लाइव प्रतिदिन हमारे साथ में आप जनरल नॉलेज की क्लासेस में जरूर जुड़िएगा। एक बार फिर से नमस्कार।